मोनिका व्लॉगिंग वर्ल्ड, मैं हूँ मोनिका। और मैंने आपको बताया था कि हम लोग शिरडी जा रहे हैं, तो हम लोगों ने पूरी पैकिंग कर ली है। देखिए मैंने नेल पेंट भी लगाया, लिपस्टिक को मैच हो रहा है ना मेरा नेल पेंट। मैंने हेयर ऐसे टाई इसलिए किया है क्योंकि ट्रैवलिंग में थोड़ा कंफर्ट होना चाहिए, नहीं तो भरत मेरे बाल खींच के मुझे ऐसे तो आधा टकला कर दिया है। ये देखिए पूरा भी कर जल्दी कर देगा। और लिखित, और इसका लिखित का मामा सोके है, दीदी तैयार हो रही है और मम्मी भी लेटी हुई है, थोड़ा रेस्ट करिए क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं दोपहर के और हम लोग निकलेंगे 5:30 बजे यहाँ से। और भरत सोके हैं, लिखित को और भरत को मैं अभी उठाऊंगी नहीं क्योंकि अगर लिखित अभी उठ गया तो बहुत परेशान करेगा, हंगामा मचा देगा, उसको संभालने में टाइम चला जाएगा। तो हम लोग जाते जाते आपको हम लोग मैं पूरा आपके साथ मैं वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने शिरडी में कैसे एंजॉय किया। हम लोग नॉर्मली शिरडी जाते रहते हैं, आते रहते हैं बहुत बार, पहले तो बहुत फ्रिक्वेंटली जाते थे। मम्मी पहले साल में कितने बार जाते थे? 5 बार। पहले हम लोग साल में 5-6 बार जाते थे मेरी शादी के पहले, और जब से शादी हुई है तो कम हो गया है। लिखित हुआ था तब गई थी मैं, मीन्स अभी 2.5 साल हो गया ना मम्मी। हाँ लिखित 2.5 साल, सॉरी लिखित 3 महीने का था तब गई थी मैं, और अभी 2.5 साल हो गया है। 2.5 साल के बाद मैं शिरडी जा रही हूँ, तो ये बार मैं 2.5 साल में जितना मुझे इतने एंजॉय करना था पूरा शिरडी में एंजॉय करूँगी, शॉपिंग करूँगी, बहुत मस्ती करूँगी और सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़रूर मेरा वीडियो देखिएगा। चलिए फिर जब हम लोग निकलेंगे तब मिलती हूँ। अभी हम लोग चाय कॉफ़ी पी के एकदम रेडी बैठे हैं, जाते तक कुछ काम नहीं रखना इसलिए हमने सब पैकिंग शैकिंग सब कुछ कर लिया है, और फिर मिलती हूँ। चलिए बाय। हाय, ये लिखिए मोनिका। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम लोग ऑटो में थे पर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। अभी हम लोग जस्ट स्टेशन पहुँचे और थोड़ा आगे पीछे हो रहा था, ट्रेन का टाइम हो चुका है पर ट्रेन अभी तक नहीं आई, पर हम लोग थोड़े जल्दी पहुँच ही गए, अच्छा हुआ टाइम पे पहुँच गए। ये देखिए ये है हमारा चंद्रपुर का स्टेशन, वो क्लिप भी देखिएगा ज़रूर मस्त। यहाँ पे ताड़ोबा का जो ये है पेंटिंग वगैरह करते हैं वो उस तरफ है, आप लोगों को दिखेगा हल्का हल्का। ये देखिए भरत रेड्डी है यहाँ मेरे पास, पत्थर लग गया मुझे। तो चलिए फिर मिलती हूँ ट्रेन में आप लोगों से सब। ये देखिए यहाँ पे पिकॉक का ड्राइंग है, वाओ कितना अच्छा दिख रहा है वीडियो में, अच्छा दिख रहा है। और ऊपर में टाइगर का है, लोग चल रहे तो आप लोगों को दिखेगा नहीं पर पिकॉक का देखिए कितने अच्छे से पेंटिंग किया है, सुपर है ना हमारा चंद्रपुर। ताड़ोबा का प्रमोशन है ये। कहाँ गया बच्चा? बच्चा मेरे पीछे, वो देखिए वहाँ भी वॉल्स में आपको थोड़े बहुत पेंटिंग दिखेंगे। हमारी ट्रेन वहाँ से आएगी, अभी तक आई नहीं है, तब तक आप प्लेटफॉर्म देख लीजिए। पिकॉक, टाइगर, स्टेयरकेस पे कितना अच्छा पेंटिंग किया है, वॉल्स पे भी है ताड़ोबा का पेंटिंग। और चित्रा मैडम कुछ बताने वाले थे आप? बल्लाशाह और चंद्रपुर सबसे क्लीनेस्ट स्टेशन है इन महाराष्ट्र। वाह, सो आई एम प्राउड टू बी अ चंद्रपुर बिकॉज ऑफ मुकुंदवाल। सबसे गंदा स्टेशन। ये देखिए हमारा तमू क्या कर रहा है, बैठा है। भरत इधर देखो, भरत मम्मी को देख। ये देखिए मम्मी हाय तो बोलिए। कहाँ जा रहे हैं मम्मी? और हमारी ट्रेन आ गई क्या? नहीं नहीं, ये यशवंतपुर गोरखपुर आई है पति के पास से, यहाँ शायद मेरे लिए कोई मैसेज लेके आई हो मेरे हस्बैंड के पास से। देखिए भरत का फर्स्ट ट्रेन जर्नी है और देखिए वो थोड़ा सोच रहा है मैं ट्रेन में जाऊँ कैसा रहेगा ट्रेन का सफ़र, ट्रेन झटके मारेगा क्या, झूला झुलाएगा क्या। वो देखिए देखिए तमड़ू को परेशान भी कर रहा है। और हमारा तो अभी ऑटो वाला जर्नी बहुत ही सुपर एक्साइटेड वाला था, हम लोग सब टेंशन में थे क्योंकि अच्छा हुआ ट्रेन थोड़ी लेट है तो हम लोग टाइम से पहले पहुँच गए, नहीं तो ट्रेन का टाइम था 5:50 था और हम लोग 5:55 को यहाँ पहुँचे। और ये जो पीछे ट्रेन जा रही है वो गोरखपुर यशवंतपुर है, मैं मेरे हस्बैंड के पास से मेरे लिए कुछ मैसेज लेके आई है, हैप्पी जर्नी बता रही है मुझे। और ये देखिए तमुड़ू अभी भी सोच में ही है कि मैं कहाँ
कहाँ जा रहा हूँ, इतने सारे लोग मेरे आजू बाजू कौन है। तो चलो देखिए, ट्रेन अभी चंद्रपुर स्टेशन में ही है और हम लोग स्टार्ट हो गए। दीदी क्या खा रही है? चॉकलेट लिखित क्या खाए हो? चॉकलेट खाए हो? कौन दिया ये? देखिए मम्मा दे रही ना। हमारा डेयरी मिल्क मेल्ट हो गया था, इसलिए हम लोग जल्दी खा लिया। अभी शायद से कोई ट्रेन की पासिंग है इसलिए हम लोग रुके हैं, और शुरू भी हो गया। पता नहीं जाते तक कितना खाएंगे, और शिरडी से आने के बाद मेरा वेट कितना बढ़ेगा ये भी नहीं पता मुझे। साई दत्ता के पास जा रहे हो क्या? बोलो साई बाबा की। इसीलिए आपको जाना पड़ेगा साई बाबा। हम ऑलरेडी बीते पे एक रूम ज्यादा यार, तो तीन रूम ज्यादा कर। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 6 बज रहे और हम लोग मनमाड़ में उतारे। 6:30 बज रहे हम लोग मनमाड़ में उतरने के लिए रेडी है। तमुड़ू भी उठ गया है, दीदी भी, और ठंड बहुत पड़ रही है इसलिए हम लोगों ने स्कार्फ वगैरह स्वेटर सब पहन लिया। हमको तो ठंडी लग रही है पर लिखित को ठंडी नहीं लग रही है। देखिए क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो लिखित? कहाँ जाना है? भैया जाना है, उसको उसका मामा देखने गया है कौन सा स्टेशन है, तो उसको भी वही जाना है। अब हम मनमाड़ में उतरेंगे, फिर मिलती हूँ आपसे। अब भी जैसे सो के उठी हूँ, देखो मेरा फेस कैसा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग है साई भक्ति निवास में। अभी बज रहे हैं 8:30 की 9 बज रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता है। 9 बज रहे हैं क्योंकि मैं टाइम गलत बताती हूँ तो ये लोग मुझे बोलते हैं टाइम नहीं पता और वीडियो लेती है, इसलिए मैं आप लोगों को एग्जैक्ट टाइम बता रही हूँ। 9 बज रहे हैं और अभी साई भक्ति निवास में 10 मिनट के बाद हमको रूम मिलेगा। और ऑलरेडी साई बाबा का जो संस्थान का नाश्ता है वो भैया लाने गया है, और यहाँ चाय कॉफ़ी भी बहुत 1 रुपी 2 रुपीज में मिलता है। देखिए आप लोग को साई बाबा का भी मैं लाइव दर्शन कर रही हूँ टीवी में, वो दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए लाइव दर्शन आ रहा है, और वहाँ से रूम अलॉट करेंगे। वेटिंग एरिया है, भरत भरत डायरेक्टली प्रसाद। हाय। और ये देखिए लिखित, लिखित अभी गुंडू होने वाला है, मीन्स लिखित अभी टकला होने वाला है।